नमस्ते, एक कहानी सुनना। कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ रेप करे, रेप करने के बाद वो व्यक्ति उस लड़की की फोटो खींच ले, और फोटो खींचने के बाद वो व्यक्ति उस लड़की से ब्लैकमेल ये करे कि तुम्हारी सारी की सारी फोटो को वायरल कर दिया जाएगा, अगर तुम अगर किसी दूसरी सहेली को अपनी ले आओगे तो तुम्हारी इस फोटो को तुमको दे दिया जाएगा। बहुत आसान, कोई व्यक्ति एक लड़की का रेप करे, रेप करने के बाद उसकी न्यूड फोटो खींच ले, और फोटो खींचने के बाद उस फोटो के सहारे उस लड़की के साथ वो ब्लैकमेलिंग करे और ये बोले कि तुम्हारी सारी की सारी फोटो को वायरल कर दिया जाएगा अगर तुम किसी दूसरी सहेली को ले आओगे, और फिर उसके बाद दूसरी के साथ भी यही काम, वो व्यक्ति उसके साथ रेप करे और रेप करने के बाद न्यूड फोटो खींचे और ये बोले कि भैया अगर तुम्हें बचना है, तुम्हारी फोटो चाहती हो वायरल ना हो, तुम किसी तीसरी को ले आओ। और ऐसे करते 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 उस व्यक्ति के द्वारा लगभग 250 से 300 लड़कियों का रेप किया जाए। आपको लग रहा होगा ये पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर नहीं है। 1992 में अजमेर का ये सच है, और अजमेर वो शहर जो दो लोगों के कारण जाना जाता है, एक तो वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और एक ब्रह्मा जी का मंदिर। और वो जो दो व्यक्ति जो ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, उनकी फोटो भी आप देख लीजिए, उनकी फोटो, ये दो लोग हैं, ध्यान से देख लो। उनका नाम है, पहली बात उनका नाम जान लीजिए, उनका नाम है फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, और उनकी फोटो ये है। आपको लग रहा होगा एक पिक्चर जो अभी रिलीज हुई है अजमेर 92, ये सिर्फ एक पिक्चर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक पिक्चर नहीं है, ये पूरी की पूरी पिक्चर सच्ची कहानी पे आधारित है। इन दो मास्टरमाइंड के द्वारा ये रेप का सिलसिला स्टार्ट हुआ और ये भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बना। जी हाँ, ये बात एकदम सच है, और आपको ये जान करके बहुत गुस्सा आएगा कि हमारी जुडिशरी के द्वारा इन दोनों लोगों को अभी तक उतनी सजा नहीं दी गई जिसके ये हकदार थे। अब कहानी मैं आपको शुरू से ले चलता हूं। हुआ ये कि अजमेर में ये जो दो नाम है, फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, ये दोनों लोग खादिम थे। अब भैया नया वर्ड आ गया कि आखिर खादिम क्या है। जैसे हमारे मंदिरों में, मंदिरों की साफ सफाई के लिए और पूजा करने के लिए पुजारी होते हैं और साफ सफाई के लिए गोसाई लोग होते हैं, उसी तरह अजमेर की जो दरगाह है उसकी साफ सफाई या केयर टेकर को बोला जाता है खादिम। खादिम जो भी होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और इसी अपनी पावर के दम पे इन्होंने अजमेर में भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कर दिया। कैसे किया मैंने आपको बता दिया। पहले एक लड़की को इन्होंने प्रलोभन देकर के फंसाया, प्रलोभन देकर के फंसाने के बाद उस लड़की को ये अपने फार्म हाउस ले गए, लड़की का रेप किया, लड़की की न्यूड फोटो खींची, और न्यूड फोटो खींचने के बाद लड़की को धमकी दिया कि अगर तुम चाहती हो बचना तो एक सहेली को लेकर के आओ। ये पूरी की पूरी चेन बनती गई और लगभग 250 से 300 लड़कियों का अजमेर में इन्हीं दोनों लोगों के दिमाग के द्वारा रेप हुआ। मैं ये कहानी तुमको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समाज की सच्चाई जानिए। ये पूरी कहानी कैसे चली है उसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। रेप सिर्फ इनके ही द्वारा नहीं हुआ है। अगर आप 1992 में जाओगे तो जाहिर उस वक्त फोटो खींचने के लिए कोई डिजिटल कैमरा तो था नहीं। आपको याद होगा कि बचपन में कुछ कैमरे होते थे जिसमें रील लगी होती थी, और उस रील को बकायदा स्टूडियो में जाकर के डेवलप कराया जाता था। हुआ ये कि जब फोटो ये लोग बनवा रहे थे, यानी उस रील को डेवलप करवा, उस वक्त फोटो बहुत जगह लीक हो गई, और वो फोटो जिसके जिसके पास मिला उन सभी लोगों ने उस लड़की को धमकाया कि ये तुम्हारी फोटो है, इसको वायरल कर दिया जाएगा, वरना तुम मुझे अपने साथ अपने तुम्हारे शरीर का यूज करने दो। मतलब सिंपल सी बात है, उस फोटो के जरिए बहुत से लोगों ने उन लड़कियों के साथ रेप किया। ये तो है पूरी की पूरी कहानी। और आपको, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये पूरा का पूरा जब सिस्टम हो रहा था तो आखिर उस वक्त पुलिस या प्रशासन या फिर हमारे राजनेता लोग क्या कर रहे थे। हुआ ये कि जिनके साथ रेप हुआ वो मोस्टली हिंदू थी, और जिन्होंने रेप किया या जो एक्यूज थे वो मोस्टली क्या, वो सभी के सभी मुसलमान थे। सिंपल सी बात है। अजमेर प्रशासन को इसकी खबर थी, लेकिन अजमेर प्रशासन को 1992 में ये लगा
कि कहीं हिंदू और मुस्लिम का दंगा ना हो जाए, इसलिए अजमेर प्रशासन ने इस पे कोई कड़ा एक्शन ना लिया। अब भैया जब कड़ा एक्शन लिया नहीं तो आखिर हमें और आपको ये बात पता कैसे चली? तो उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे समाज में रहने वाले चौथे स्तंभ को। और वो चौथा स्तंभ क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। उनका नाम है संतोष गुप्ता। यह एक न्यूज रिपोर्टर थे और उस समय अजमेर का एक लोकल न्यूज चलता है, लोकल न्यूज़पेपर चलता है। उस न्यूज़पेपर का नाम है नव ज्योति न्यूज। सबसे पहले अजमेर के इस कांड के बारे में नव ज्योति न्यूज के रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने पूरा का पूरा पब्लिश किया कि अजमेर में लगभग बड़े बड़े लोगों के द्वारा बहुत सी लड़कियों का रेप हो रहा है और वो लड़कियां चाह कर भी किसी को नहीं बता पा रही हैं। हुआ क्या कि इस केस में जैसे ही संतोष गुप्ता ने अपने न्यूज़पेपर पे ये सारी की सारी चीजें पब्लिक की पब्लिश जैसे की, जैसे पूरा का पूरा चीजें छापा, अजमेर में बड़ा भयंकर बवाल हो गया। और इतना भयंकर बवाल हो गया कि भैया पूरा का पूरा राजस्थान सरकार का प्रशासन का हाथ पैर भैया फूलने लगा। क्योंकि भैया आप खुद सोचो कि लगभग 100 से 200, 250 के आसपास लड़कियों का रेप हो जाए और करने वाले कुछ लोग हैं और प्रशासन में पूरे के पूरे अजमेर में किसी को खबर नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे ही ये सारी की सारी चीजें बाहर आती हैं, सारा का सारा प्रशासन एक्शन लेने में आता है, लेकिन एक्शन लिया गया इन्हीं के ऊपर। प्रशासन ने इन दोनों मास्टरमाइंड जिनका नाम है फारूक चिश्ती और एक और नाम है नफीस चिश्ती, आप ध्यान से फोटो देख लीजिए, नफीस और फारूक को प्रशासन बचाने में लग गई। 1992 का केस चला, सबसे पहली सुनवाई 1998 में हुई और 1998 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी। ध्यान से समझना, सारा का सारा काम हो गया, स्कैंडल हो गया, फिर उसके बाद 1998 में 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। 8 लोगों में से जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आप ऊपर हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं भैया, अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील हुआ, हाई कोर्ट ने 8 में से 4 को बरी कर दिया और 4 को बस 10 साल की सजा दी। क्लियर है, सिंपल सी बात। अब वो 4 भी अभी बेल लेकर के बाहर है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। अब आप खुद सोचना ये हमारे जुडिशरी की कितनी बड़ी नाकामी है कि लगभग 250 लड़कियों का रेप हुआ और अभी तक उसके ऊपर कोई भी ऐसा कड़ा एक्शन नहीं लिया गया जो लिया जाना चाहिए। क्लियर है सारी की सारी चीजें। एक चीज और, ये हमारे जुडिशरी का बहुत बड़ा लूप होल भी है। अगर आप रसूखदार हैं, पावरफुल हैं, तो आप कोई भी क्राइम करके बच सकते हैं, क्योंकि हमारी जुडिशरी इतनी मजबूत नहीं है कि तुरंत उस पर फास्ट ट्रैक एक्शन लिया जाए। क्लियर है सारी की सारी चीजें। ये है अजमेर 92 की पूरी कहानी। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस कहानी को हो सके तो आप जल्दी से भूल जाइए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद समाज से आपका विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि ये काम जिन्होंने किया वो एक पवित्र स्थान के कार्यकर्ता थे। सिंपल सी बात है, उस दरगाह के वो पूरे के पूरे केयर टेकर थे। अब आप खुद सोचिए उस दरगाह के केयर टेकर के द्वारा ये जो सारा का सारा कांड हो रहा है, और फिर उनको हम किस नजर से देखेंगे, सही नजर से देखेंगे या गलत नजर से देखेंगे? जाहिर सी बात है जवाब आपके पास है, आप उनको गलत ही नजर से देखोगे। अच्छा, एक चीज और, इस कांड का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि अजमेर में लोग अपने लड़के का रिश्ता कर ही नहीं रहे थे। वो क्या रहा था कि अगर अजमेर की किसी लड़की का रिश्ता आए किसी परिवार के पास, तो वो सारे के सारे परिवार वाले लोग नवज्योति न्यूज़पेपर के जो हेड ऑफिस है वहां पे पहुंच जाते थे और वहां पे पहुंचकर वो उस लड़की का फोटो दिखाते थे बकायदा, और पूछते थे कि भैया जो 250-300 लड़कियों का रेप हुआ, आप एक बार जरा चेक करके या पता करके बताइए, कहीं वो लड़की भी तो इनमें से नहीं थी। अब आप खुद सोच लीजिए इस समाज में इस कांड के द्वारा, इस स्कैम के द्वारा कितना अधिक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। मैं आपको ये अजमेर 92 की पूरी जानकारी दे दिया। अब आप जरा कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।